हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे। तो WDM को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। तो ये सेम एज अ फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तरह ही वर्क करता है। सिर्फ अंतर क्या है कि जो आपका यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आप क्या करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको मैं अपने प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग की भी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो बात करते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। तो आपने देखा कि ये क्या है, इसमें आपका ऑप्टिकल सिग्नल्स को फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। बाकी आपका वर्किंग सेम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तरह ही यहाँ पे होता है, ठीक है। जो आपका WDM है, यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम फाइबर ऑप्टिक्स पे यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो फाइबर की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल के हाई डेटा रेट कैपेबिलिटी होती है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम WDM का यूज़ करते हैं। ये एक आपका क्या है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। और ऑप्टिकल सिग्नल्स जो आपके होते हैं, जो हम फाइबर ऑप्टिक के केबल के थ्रू हम भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ये जो होते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स, वो हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं, उसको वाइड बैंड ऑफ लाइट में बदल देते हैं, ठीक है। और रिसीविंग एंड पे जब वो आपका जो आपका ऑप्टिकल सिग्नल है, जब रिसीविंग एंड पे पहुंचता है, तो वहाँ पे हम डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इन सिग्नल्स को, इन ऑप्टिकल सिग्नल्स को अलग अलग करके उसको रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने मल्टीप्लेक्सिंग वाली वीडियो में देखा था, मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो आपका, अगर WDM की बात करें तो हम प्रिज्म की थ्रू भी हम मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फिगर से। तो यहाँ पे आपका जितने ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे आपके n सोर्सेज दिए गए हैं, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर n, ठीक है। यानी आपका n सोर्सेज यहाँ पे टोटल लिया गया है। तो सोर्स 1 जो है, सोर्स 2 है, अप टू सोर्स n है। ये n सोर्सेज जो हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पास करा रहे हैं। और मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन कर देगा, ठीक है। इन सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक लाइट, एक वाइड बैंड ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा और उसको डेस्टिनेशन पे भेज देगा। मान लीजिए यहाँ डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन पे भेजेगा और डेस्टिनेशन पे जाके जो आपका डी मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, वो वापस से सारे सिग्नल्स को रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे भेज देगा, ठीक है। ये डी मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। तो यही काम आपका मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का काम ही प्रिज्म करता है, ठीक है। तो प्रिज्म जो है वो मल्टीप्लेक्सर का भी रोल परफॉर्म कर सकता है, कैसे, ऑप्टिकल सिग्नल्स को, वेरियस ऑप्टिकल सिग्नल्स को जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, उनको कंबाइन करेगा और एक कंपोजिट सिग्नल में उसको बदल देगा। उन ऑप्टिकल सिग्नल्स को जो डिफरेंट सोर्स से आ रहे हैं, उनको कंपोजिट सिग्नल में बदल देगा और इस कॉम्पोजिट सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा थ्रू आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, ठीक है। और प्रिज्म जो है वो आपका रिवर्स ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, यानी ये डी मल्टीप्लेक्सर की तरह भी काम करता है और सिग्नल को डी मल्टीप्लेक्सिंग करता है, ठीक है।
जैसे आपका प्रिज्म यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का भी काम कर रहा है और डी मल्टीप्लेक्सर का भी काम कर रहा है। तो यहाँ से जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल सिग्नल्स आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, इनको आपका क्या करेगा, एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और इसको भेज देगा, ट्रांसमिट कर देगा डेस्टिनेशन पे, और डी मल्टीप्लेक्सर का काम करेगा आपका प्रिज्म, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे भेज देगा इसको सिग्नल्स को, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे। तो वेवलेंथ में क्या होता है कि ऑप्टिकल सिग्नल्स को फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये है आपकी आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।